हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फादर नेश। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। सलाम नेपाल, क्या हाल चाल है? तो उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। भाई आज हम रिएक्शन देने वाले हैं रमेश पारसाई के एक सॉन्ग पे। रमेश पारसाई के इंटरव्यूज़ पे मैंने रिएक्शन दिया, काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ दिए उन्होंने और उनकी तकरीबन 3 से 4 इंटरव्यूज़ पे मैंने रिएक्शन दिया। तो फाइनली आज उनका एक सॉन्ग आया है, कल परसों में रिलीज़ हुआ है, बट हमारे पास आज ही आया है तो हम रिएक्शन देने वाले उसी के ऊपर। नाम कुछ अजीब सा है, मुझे लेने में बहुत जो है ना डिफिकल्ट लग रहा है, तो मैं नहीं ले पा रहा नाम। तो हम सॉन्ग को सुनते हैं, रमेश पारसाई का है, तो स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छी लगी वीडियो, अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। माफी चाहन्छु, उहाँ चाहिँ आज आफ्नो अस्वस्थताको कारणले गर्दाखेरि आउन सक्नु भएन। देरीका गीत सुनेर बुढाबुढी छङछङी नाचो भनेको नाच्दैन पाइयो। रागोलाई चुम्के बुङको झुलेसीले ताप्ले जुम्मा पाकेर काले
लम्बा काटेर अरू कमर तरुला तिते फापर छरुला फुल लाउला केसरी खाउला बेसरी आहै फुल लाउला केसरी खाउला बेसरी सारङ्गीको सुरक्षाको पुङमा भो मादल मुर्चुङ्गालाई मुस्किल पर्यो बिनायो भो बेहाल चोली कोटा चोलै उठ्यो फरियाको के हाल दौरा भए स्वर्गवासी नर्क गए सुरुवाल तर सुन्छु यो गीत गाउने गायक सुरेश गन्धर्वको आर्थिक अवस्था पनि र स्वास्थ्य अवस्था पनि दुइटै असाध्यै खराब छ रे त्यसैले प्लिज तपाईँलाई यो पैसा यदि दिने नै इच्छा छ भने मलाई होइन यो गीतका महान गायक सुरेश गन्धर्वलाई लगेर दिनु होला सुरेश गन्धर्व एकजना यस्ता गायक जसले कालिम्पोङ निवासी वरिष्ठ गीतकार सिके श्रेष्ठको शब्द सङ्गीतमा गाएको गीतले नेपालका हरेक भीर पाखा कुना कन्दराहरूलाई सङ्गीतमय बनाउने काम मात्र गरेन नेपाल र भारतलाई साङ्गीतिक सम्बन्धले जोड्ने काम पनि गरे उनको त्यो सुमधुर आवाजले लाखौँ नेपालीहरूलाई नचायो हँसायो र हरेक चाडपर्व र समारोहलाई थप रोचक अनि रोमाञ्चक बनायो उनका यिनै गीत गुनगुनाएर सयौँ गन्धर्वहरूले आफ्नो जीविको चलायो भने कैयौँ सङ्गीत प्रेमीहरू गायक बने तर तिनै गायकलाई आज बिहान बेलुकाको छाक टार्न हम्मे हम्मे परेको छ उनले गाएको गीत अझै पनि जवान छ तर उनको भौतिक शरीर वृद्ध र जीर्ण भइसक्यो वृद्ध अवस्थामा अस्वस्थ तिनै गायक औषधि उपचारको अभावले थलिएका छन् उनको सुमधुर आवाज
सयौं गगनचुम्बी महलहरूमा गुन्जिएका छन्। तर उनी आफू भने ओत लाग्ने छानोको अभावमा प्रदेश नम्बर एक स्थित धरानको पुछारमा रहेको एउटा घरमा भाडामा लिएको जीर्ण कोठामा भाडा तिर्न समेत हम्मे हम्मे पर्ने अवस्थामा रहेका छन्। नेपाली लोक संस्कृतिमा एउटा आयाम थप्ने यस्ता सयौं गुमनाम गायकहरूलाई राज्यले कमसेकम अभिभावकत्व मात्र प्रदान गर्न सके पनि उनीहरूले देशको कला र संस्कृतिलाई लगाएको गुणको अलिकति मात्र भए पनि ऋण चुक्ता गर्न सकिन्थ्यो कि। जितना ज़्यादा आपसे हो सके इनको सपोर्ट करिए, इनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर दीजिएगा, क्योंकि इस बुढ़ापे में इनसे काम नहीं हो पाता। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने देखी है, पसंद आई होगी ये सॉन्ग। ये वीडियो एक ट्रिब्यूट पेश कर रहे थे सुरेश को, वायलिन की तरह एक इंस्ट्रूमेंट बजाते थे उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए, एक मतलब एक शो सॉन्ग की वीडियो को बनाने के लिए उन्होंने इस तरह किया कि वो यार नहीं आ सकते, तो उनकी तबीयत नासाज थी जो तो फिर ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से रमेश पारसाई ने इनका सॉन्ग गाया। और एंड में क्या कहा कि मैं ये गाना मैंने अपने आप के लिए नहीं गाया ना, मैंने पैसों के लिए गाया, ये मैंने उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए गाया, जो आप पैसे मुझे दे रहे ये जाके उनकी हेल्प करे और उनकी मदद करे जितना हो सके आपको। तो ये एक अच्छी बात है कि भाई हम अपने पुराने और जितने भी पुराने जो सिंगर्स हैं, जो पुराने इंस्ट्रूमेंटल बजा रहे जो म्यूजिशियंस हैं, उनको हम सपोर्ट करें और फाइनेंशियली भी सपोर्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत ही पुअर गरीब लग रहा था। तो आप इनको सपोर्ट करिएगा। रमेश पारसाई ने जो आपको बातें समझाई बस वो आप देख लीजिएगा, बट मैं तो जहाँ तक उनका म्यूज़िक बड़ा अच्छा बनाया था रमेश पारसाई का, ये सॉन्ग मैंने देखा और काफ़ी अच्छा लगा मुझे। लिरिक्स मुझे समझ नहीं आई, बट देखने से ही और सुनने से ही लगता है कि यार उन्होंने काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी अच्छी तरीके से बनाया गया, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। और इन सुरेश जो जो म्यूजिशियन थे, उन्होंने काफ़ी सारे सॉन्ग्स में उन्होंने म्यूज़िक दिया है और जो इंस्ट्रूमेंट बजाया है वो इंडियन बॉलीवुड मूवीज़ में भी, इंडियन बॉलीवुड मूवी के अलावा नेपाली मूवीज़, नेपाली फिल्म ड्रामा वगैरह में भी उन्होंने काफ़ी म्यूज़िक दिया है। तो वो एक मतलब उन्होंने ये बोला कि उसकी म्यूज़िक जो है ना आज भी जिंदा है, बट वो अपनी जवान है, म्यूज़िक उसका जवान है, बट वो आज जिसम से ख़राब है, उसके जो बीमारी आने लग गई है और गरीब है, तो उनकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करनी चाहिए। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी, सॉन्ग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बड़े वक्त मिल सके। आज के लिए इतने ही काफ़ी, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।